दोस्तों, ये रायपुरा के पहुँचे हम लोग कैंटीन में और बिलाई से लगभग 1:30 बजे निकले और 2:30 बजे तक यहाँ पहुँच के एकदम फास्ट चला के आए। कुछ मेरी तौर पर वाइफ गए कैंटीन में उठाने के लिए, कभी सामान वगैरह भी लिए। उस तरफ मैंने बैग में हेलमेट और वगैरह वगैरह रखा हुआ है और ये ट्रॉलीज हैं। इसका कुछ इंट्रेंस है, देख सकते हो आप। यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, पंखा हमने चालू किया, चार तक भयानक गर्मी है भाई। यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो फिर भी गर्मी का एहसास तो होता ही है। गाड़ी बाहर में पार्क किया हुआ मैंने एकदम रोड साइड ही है, सिंगल गाड़ी थी मेरी, अभी तो और गाड़ियाँ आ रही होंगी। कार वाला आके वो तो जोर से हॉर्न बजाया है, किसको मालूम है किसको घूमने वाला है। तो मैं लास्ट मोमेंट में सर इंडिकेटर देखता भाई, तो हमारे यहाँ बहुत सी इस तरह कलर होगी चौड़ीकरण होगा, पूरे पेड़ फूल काट दिए गए हैं, कहने तो दे ही जाएगा है काट काट के चक्कर में फल भर के करेगा। यहाँ पर तीन चार पेड़ कटे हुए आगे दो तीन पेड़ कटे हैं, तो इसे बोर्ड भी पैसे आने से पहले मार्केट भी आने से पहले केरल स्टोर करके हैं, केरल होटल यहाँ पर भी लोगों के पार्ट टाइम टाइमिंग में भी एक चोट लगा। तो ये आज की मांग हो गई है, रोड चौड़ी करेंगे होगा, पेड़ कटेंगे करते हैं, जल्द भी रोड कटेंगे, चौड़े ट्रीज कटेंगे रोड कटेंगे, रुक नहीं सकते रोड में। मैं साइड में रुका हूँ अभी, मैं मान लगा रहा हूँ कि रुकता है नहीं, जनता जनार्दन का मोटिवेशन मिले तो थोड़ा और कोशिश करें, सबसे वीडियो डाले सीख का वीडियो डालेंगे, उनकी ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा मेरा मन हो रहा है।
सौ किलोमीटर भी नहीं चला, तो सुबह कहीं निकले नहीं है। ये अभी निकल रहा हूँ, वाइफ अपनी गाड़ी में गई, बच्चों को लेकर बच्चे लेने जाने के लिए निकला हूँ। गाड़ी का फ्यूज भी करना है, बाइक के सब्जी खत्म करना है, पड़ेगा सर।
लेने का टाइम तो ज़्यादा ही हो गया।